हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो एक नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं डेल इंस्पिरॉन 5440। जी हाँ, ये 14 इंचेस के अंदर डेल ने लॉन्च किया है। एक जो नई सीरीज आ रही है लैपटॉप में आपका प्रोसेसर के अंदर, खास तौर से देखिए पहले हम देखते थे कोर i3 कोर i5, हमने ये भी देखा कोर अल्ट्रा 3 अल्ट्रा 5। एक सीरीज और इंटेल ने लॉन्च करी है जिसे डेल अपने 5440 लैपटॉप के अंदर लेके आया है। यह है इंटेल कोर 5। जी हाँ, ये कोर i5 भी नहीं है, कोर अल्ट्रा 5 भी नहीं है, ये कोर 5 है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये कोर i5 से थोड़ा सा आप इसको अबव कह सकते हैं और अल्ट्रा से थोड़ा सा नीचे। इस प्रोसेसर के साथ डेल ने इस लैपटॉप को लॉन्च किया है। आज हम जिसका रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, कहीं मत जाइएगा, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम इसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं, ये लैपटॉप हमें मिला है डेल के थ्रू, और डेल में जो दिल्ली के अंदर करोल बाग में डेल एक्सक्लूसिव स्टोर है, हमें उस स्टोर के थ्रू ये लैपटॉप मिला है, जो अनबॉक्स होने के बाद कंपनी में वापस चला जाएगा। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा लैपटॉप मास्टर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे ये कहूंगा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। आज आपको अनबॉक्स भी होते हुए दिखाते हैं हमने, क्योंकि देखिए इसमें डेल ने कहीं भी ऊपर अपनी कहीं भी मार्केटिंग, जैसे कहीं भी अपना लोगो कहीं नहीं लिखा हुआ। आप देखेंगे लैपटॉप का बॉक्स ओपन करेंगे, सामने डेल का लोगो आपको दिखाई दे जाएगा। थोड़ी सी जो पैकिंग है डिफरेंट कर दी है डेल ने भी। अगर हम यहां देखेंगे, एडेप्टर टाइप सी चार्जर नहीं है, नॉर्मल राउंड पिन के साथ है। 65 वॉट का एडेप्टर है, पावर कोड इसके साथ आपको मिलती है। लैपटॉप की पैकिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट करती जा रही है कंपनी। हम इसको अगर हटाते हैं एक बार को, इसमें मैनुअल भी है, अगर आप देखना चाहें तो मैनुअल भी है, नॉर्मली लोग नहीं देखते। तो आइए लैपटॉप को हम बाहर निकालते हैं। जी हाँ, ये देखिए, ये है हमारा लैपटॉप। अगर मैं कलर की बात करूंगा तो ये सिल्वर कलर में मेरे को नहीं दिखाई दे रहा, ये सिल्वर भी नहीं है, ये ब्लू भी नहीं है, ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आइस ब्लू कलर के अंदर डेल ने लैपटॉप को अपने लॉन्च किया है। देखिए अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो मेटल बॉडी में डेल ने ये लैपटॉप दिया है। बिल्ड क्वालिटी काफी बेटर है, काफी डे बाय डे इंप्रूव होता जा रहा है। अगर हम बैक साइड भी देखें तो वेंटिलेशन दे रखा है, थोड़ा सा जैसे पहले वेंटिलेशन स्टेट आते थे सिंगल्स में, आप दो रो कर रखी है अलग अलग, थोड़ा सा जैसे जैसे इनोवेशन होते जा रहा है। ये सारे सारे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप को कूल करने के लिए है। ये रबर यहाँ पे आपको दे रखी है। अगर हम स्लीकनेस की बात करें तो देखिए 14 इंची का लैपटॉप है 5000 सीरीज के अंदर। डेल में हमें पता है 3000 5000 7000 सीरीज मोस्टली आती है, 5000 के सीरीज प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, तो ये 5000 सीरीज में ही है। और आप स्लीकनेस की बात करेंगे तो काफी स्लीक है लैपटॉप जो डेल ने अपनी इस 5440 में दिया है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को बूटअप करते हैं और उसके पहले उसे पोर्ट देखेंगे, फिर देखेंगे लैपटॉप की कॉन्फिगरेशन, और उसके बाद हम लैपटॉप का बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो आपको जो सबसे पहला पोर्ट मिलता है वो है USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ 3.2 Gen में। साथ में आपको मिलता है 3.5 mm का ऑडियो जैक, कॉम्बो जैक आपका हेडफोन माइक के लिए, और आपको मिलेगा SD कार्ड रीडर। अगर हम लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं तो आपको यहाँ पे भी चार पोर्ट मिलते हैं। पहला पोर्ट है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए चार्जिंग जैक, दूसरा आपको मिलता है HDMI 2.1 आपके LED TV और प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, फिर आपको मिलता है USB टाइप ए 5 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ 3.2 Gen, और एक आपको मिलता है टाइप सी। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसर की, तो इंटेल कोर 5 120U इसमें प्रोसेसर है। देखिए यहां पे ना इस लैपटॉप के अंदर आपको प्रोसेसर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं। देखिए आप इसको अल्ट्रा मत समझ लीजिएगा, ये कोर 5 प्रोसेसर है, कोर i5 नहीं है। कोर i5 से अगर हम लेंगे तो ये आप उसे अबव कह सकते हैं, लेकिन कोर अल्ट्रा 5 नहीं है। कोर अल्ट्रा 5 में आपका NPU आता है, जो डेडिकेटेड चिप होती है AI वर्क के लिए, लेकिन इसमें वो नहीं है। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं आप लेने जाएं और पता चला कि हम कोर 5 ले आए हैं लेकिन वो अल्ट्रा नहीं है, i5 भी नहीं है और अल्ट्रा भी नहीं है, उसके बीच की रेंज है ये।
अगर हम बात करेंगे 120U प्रोसेसर है ये, जिसकी बेस स्पीड 1.4 GHz है, आपके कोर्स 10 है, 10 कोर्स है। इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि परफॉर्मेंस कोर आपके सिर्फ 2 हैं इसमें और एफिशिएंट कोर आपके इसमें 8 हैं, लॉजिकल प्रोसेसर आपके 12 हैं। आप यहां से भी काउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि परफॉर्मेंस कोर के डबल हमारा लॉजिकल प्रोसेसर होता है, तो 2 परफॉर्मेंस कोर है, डबल हम 4 करेंगे और 8 एफिशिएंट कोर है, तो 8 प्लस करेंगे तो 12 हमारे लॉजिकल प्रोसेसर हो गए। तो आप यहां पे कंफ्यूज में बिल्कुल कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। L3 की बात करेंगे तो 12 MB आपको इसमें L3 कैशे मिलती है। बात करेंगे मेमोरी की, 16 GB रैम आपको इसमें मिलती है, DDR5 है, 5200 MHz, 2 स्लॉट है, दोनों यूज्ड है। अब इनबिल्ट है या नहीं है ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे, लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब आपको बताएंगे कि रैम इसमें इनबिल्ट है। आप समझ तो गए होंगे, काफी लोग समझ गए होंगे कि इसमें इनबिल्ट है या नहीं, लेकिन हम आपको क्लियर करेंगे जब लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब। 5200 MHz DDR5 इसमें आपको रैम मिल रही है। डिस्क NVMe आपको 512 GB इसमें SSD मिलती है, जिसकी कैपेसिटी आपको 477 GB की मिलती है। ग्राफिक्स की बात करेंगे, इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है, शेयर्ड है, 7.8 GB टोटल भी आपका 7.8 है। इसके प्रोसेसर में अपना कोई भी ग्राफिक्स नहीं होता है, ग्राफिक्स मेमोरी नहीं होती है, इंटेल आयरिस XE मिला हुआ है, लेकिन वो ग्राफिक्स हमेशा रैम को शेयर करता है, तो इसलिए आप याद रखिएगा डेडिकेटेड मेमोरी इसमें, ग्राफिक्स की मेमोरी इसमें नहीं है। हम इसमें बात करेंगे अगर वाईफाई की, तो वाईफाई इसमें अभी शो नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें अभी नेट कनेक्ट नहीं है। इसमें आपका ग्राफिक जो वाईफाई है वो है 6E। जो वॉइस अभी कॉन्फ़िगरेशन के समय आप सुन रहे थे वो हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी थी, इसके माइक की क्लैरिटी आपको दिखाने के लिए। बात करते हैं हम डिस्प्ले की, तो डेल ने इसमें आपको 14 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले दिया है, जिसका रिजोल्यूशन 1920x1200 है। अगर हम एस्पेक्ट रेशो की बात करें तो 16:10 रेशो के अंदर डेल ने इसकी स्क्रीन दी है। एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, नॉन टच है। अगर हम निट्स की बात करेंगे तो 250 निट्स आपको इसमें मिलता है, और अगर हम sRGB की बात करेंगे तो 45% आपको इसमें sRGB मिलता है। कीबोर्ड की बात करते हैं तो इसमें आपको 14 इंचेस का फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलेगा विद फिंगरप्रिंट रीडर के साथ। जी हाँ, पावर बटन में ही आपका फिंगरप्रिंट रीडर भी होता है जो आपको इसमें मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इस लैपटॉप का हम माइक का नॉइस रिडक्शन भी चेक करते हैं कि जब आप भी अपनी मीटिंग कर रहे होंगे घर पे या आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे कोई, तो बैकग्राउंड का म्यूजिक जो है या बैकग्राउंड का कोई भी साउंड है वो कितना रिड्यूस करता है। तो दोस्तों यहां हमने अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करते हैं। देखिए बहुत दूर म्यूजिक नहीं है इसके माइक से, और अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो हमारा म्यूजिक है वो कितना रिकॉर्ड हुआ। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इसको, ये भी स्टॉप करते हैं। तो दोस्तों अब हम प्ले करके देखते हैं कि हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक कितना इसमें रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, अब हम यहाँ पे म्यूजिक प्ले करते हैं। देखिए बहुत दूर म्यूजिक नहीं है इसके माइक से, और अभी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो हमारा म्यूजिक है वो कितना रिकॉर्ड हुआ। तो चलिए अभी यहाँ पे हम इस रिकॉर्ड, तो दोस्तों आपने देखा कि बैकग्राउंड में जो भी म्यूजिक चल रहा था वो इसके माइक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, जब भी आप मीटिंग करते हैं या आप स्टूडेंट है और क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के ऐसा नहीं है कि पीछे से कोई आवाज दे रहा है, बच्चे हैं, कुछ भी, बैकग्राउंड म्यूजिक आपके जो दूसरी तरफ है वहां तक नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके अंदर हमारी रैम इनबिल्ट है या नहीं है, और SSD हम अपग्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सब हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप का बैक पैनल हमारा ओपन हो गया है, तो चलिए देखते हैं इसके पार्ट्स कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। देखिए सबसे पहले आज की डेट में जब भी हम लैपटॉप ओपन करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि मदरबोर्ड तो कंपनीज खत्म करती ही चली जा रही है। देखिए ये बहुत छोटा सा यहाँ पे मदरबोर्ड कंपनी ने दिया है, उसके बाहर वहां जहां पे बोर्ड नहीं है वहां फैन लगा हुआ है और वो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड होता है प्रोसेसर के साथ। अगर
प्रोसेसर के ऊपर ही फैन आ जाएगा, जैसे पहले लैपटॉप्स में आया करता था। तो जो हमारे लैपटॉप की जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे हमें एसएसडी लगी हुई है जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप इस एसएसडी को हटा के ही आप लगा पाएंगे क्योंकि हमें कोई भी यहाँ पे दूसरा स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम रैम की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो रैम लगी हुई है, 8-8 GB की दो रैम है DDR5 5200 MHz की। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो तो इसको रिमूव करके ही आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये एक जो परफॉर्मेंस प्रॉपर वर्क करेगा वो आपका 16 GB पे ही वर्क करेगा। यहाँ हमारा वाईफाई रियलटेक का वाईफाई 6E लगा हुआ है। आप बैटरी देखेंगे तो देखिए यहाँ पूरी बैटरी है, 4 सेल की बैटरी है 54 वर्क आवर्स की। अगर आप बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो नॉर्मली आपको इसमें 7 से 8 घंटा आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा, बाकी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वर्क कर रहे हैं। बैटरी बैकअप देखिए हमेशा डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे, अगर आप हैवी वर्क कर रहे हैं तो आपका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, अगर आप कोई लाइट वर्क कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो आपका बैकअप बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दो स्पीकर्स लगे हुए हैं लैपटॉप में, लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं ये बात करूं आपको तो इसमें अपग्रेड की, तो आप एसएसडी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कहीं भी दूसरा पोर्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो जो एग्जिस्टिंग एसएसडी लगी हुई आप उसको रिमूव करके ही आप अपग्रेड कर पाएंगे। रैम भी रिमूवेबल है, आप रैम इजिली रिमूव करके भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया डेल इंस्पिरॉन 5440, जी हाँ, जो कोर 5 में था और 16 GB रैम और 512 GB SSD के साथ। देखिए अगर हम बात करेंगे लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन, उसकी बिल्ड क्वालिटी, तो वो सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं प्राइसिंग की, जी हाँ, मार्केट में मैं आपको पहले बता देता हूं प्राइसिंग जो हम नॉर्मली लास्ट में बात करते हैं, ये मार्केट में आपको 70,000 से 80,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा। जी हाँ, 70,000 से 80,000 के अप्रॉक्स में आपको ये लैपटॉप मार्केट के अंदर मिलेगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं आज की डेट में, तो पहले हम देखते आ रहे थे जो कोर i5 हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, कोर i5 13 जनरेशन अभी तक हमारा आ रहा था, अगर आप काउंट करेंगे तो इसको आप 14 जनरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन जो एक अलग सीरीज बनी है इंटेल की, जैसे कोर i5 अल्ट्रा 5 और ये कोर 5, तो ये टोटल डिफरेंट सीरीज हो चुकी है। अगर हम इस रेंज में जाना चाहेंगे तो आप मार्केट में जरूर सर्च करिएगा कि आपको हो सकता है अल्ट्रा 5 भी इस प्राइस रेंज में मिल जाए। जी हाँ, अल्ट्रा 5 इस प्रोसेसर से काफी बेटर है, उसमें जो फ्यूचर अगर हमारा AI बेस्ड, आगे जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो काफी डिपेंड होंगे हमारे AI पे, उसके अंदर अलग से आपको NPU मिलता है आपके AI के लिए, जो इस लैपटॉप में आपको नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल अभी हम देख रहे थे i5 13 जनरेशन जो हमें मार्केट में मिल रहा है वो 70,000 के अप्रॉक्स में मिल जाएगा, बिलो 70, तो ये उसका 14 जनरेशन आप कह सकते हैं, कोर 5 सीरीज अलग है, तो ये थोड़ा सा मेरे को प्राइस में हल्का ऐसा लगा कि डेल ने थोड़ा सा इसका प्राइस ज्यादा रखा हुआ है। अभी 5,000-1,000 रुपए इसके अंदर मेरे को लग रहा है डिस्काउंट और मिल सकता था, जो अगर हम इसको 5,000 रुपए और लेके आ सकते हैं तो इस सेगमेंट के अंदर ये सबसे परफेक्ट लैपटॉप मैं इसको कह सकता हूं कि वो हो जाएगा। देखिए अगर हम बिल्ड क्वालिटी की, हमने देखा मेटल बॉडी में है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है, प्रोसेसर हमने देखा, और इसमें सबसे बड़ी बात 14 इंचेस के अंदर हमें मोस्टली LPDDR5 रैम मिलती है, जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, जिसको रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन डेल ने इसके अंदर आपको रिमूवेबल रैम दी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं, ये इस लैपटॉप की एक अलग से हम कह सकते हैं कि खास बात है। हालांकि 32 GB पर बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये प्रोसेसर जो परफेक्ट वे में आपको 16 GB के साथ ही वर्क करता है। अगर हम इसकी कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड भी थोड़ा सा डिफरेंट डेल ने दिया है, नॉर्मली जो हम देखते थे सिल्वर कलर या ब्लैक कलर, थोड़ा सा जो इस पे ग्रेइश कलर आया है, बैकलिट में है और फिंगरप्रिंट के साथ है। अगर हम लैपटॉप के कलर की भी बात करेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट कलर है, हम ब्लू कलर भी देखते थे, सिल्वर भी, ब्लैक भी, ये आइस ब्लू कलर है, जो आप जैसे बहुत ही लाइट ब्लू कलर आप अपनी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। हमने इसका नॉइस कैंसिलेशन भी चेक किया तो आपने देखा नॉइस कैंसिलेशन भी इस लैपटॉप का परफेक्ट है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी प्राइसिंग ना देखें तो इस लैपटॉप में, इस रेंज के अंदर आज की डेट में ये लैपटॉप मुझे बड़ा
परफेक्ट लगा। अगर आपने गेमिंग नहीं करनी है, आपने एडिटिंग नहीं करनी है, रेंडरिंग नहीं करनी है, तो आप इस लैपटॉप को बिना टेंशन लिए आप ये ले सकते हैं, अगर आप इस प्राइस बजट में लैपटॉप को सर्च कर रहे हैं तो। बाकी मुझे इस लैपटॉप में कहीं भी कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई दे रही। लाइट वेट है, 1.5 केजी के आसपास ये लैपटॉप आता है। आप मार्केट में इसमें कहीं भी, मैं तो ये कहूंगा कि आप जब भी आप ये लैपटॉप लें तो डेल एक्सक्लूसिव स्टोर पे आप जरूर जाइएगा। डेल इसकी 1 ईयर ऑन साइट वारंटी आपको देता है। आप वारंटी एक्सटेंड भी करा सकते हैं, आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, यानी जिसको हम एडीपी कहते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में डेल आपको ये ऑफर करता है। एडीपी का मतलब होता है, मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करता हूं, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, यानी अगर लैपटॉप आपका डैमेज भी हो जाए। देखिए, जो बाय डिफॉल्ट कंपनी की वारंटी आती है वो डैमेज की नहीं होती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की होती है। लेकिन अगर आप एक्सीडेंटल डैमेज कवरेज भी लेते हैं तो आपका अगर लैपटॉप डैमेज भी होता है, स्क्रीन डैमेज भी होती है, तो डेल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देता है। दैट मीन्स वो पार्ट रिप्लेस करके देता है। आप कभी भी अगर वारंटी एक्सटेंड कराना चाहते हैं या एक्सीडेंटल डैमेज लेना चाहते हैं तो हमेशा डेल की ही लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी मत लीजिएगा। थर्ड पार्टी लेने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, वो नहीं मिलती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा मल्टी ब्रांड स्टोर है जो करीब 13,525 की वारंटी ऑफर करते हैं, लेकिन मैंने बहुत देखा है उनके कस्टमर्स जब प्रॉब्लम आती है तो उनको वो वारंटी बिल्कुल भी नहीं मिलती। वो बिल्कुल क्लियरली मना कर देते हैं कि वारंटी इसमें इसकी नहीं है। कभी कहते हैं कभी इसकी नहीं है, कभी कहते हैं ये इंटरनल डैमेज की है, एक्सटर्नल डैमेज की नहीं है, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। इसलिए कभी भी आप वारंटी एक्सटेंड कराएं तो हमेशा जिस कंपनी का आप लैपटॉप ले रहे हैं उसी कंपनी से ही आप वारंटी एक्सटेंड कराएं। तो आप एक बार प्राइस वहां भी चेक कर सकते हैं जहां से हमने ये लैपटॉप लिया है। ये हमें लैपटॉप मिला है दिल्ली के अंदर करोल बाग में, डेल एक्सक्लूसिव स्टोर है लेजेंड कंप्यूटॉनिक्स का, हमें ये लैपटॉप वहां से मिला है। तो आपको अगर प्राइस चेक करने है तो आप यहां पे भी एक बार प्राइस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नई नई वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।